सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के प्रखंड मुख्यालय सतबरवा के पंचायत बकोरिया में आजादी के बाद आज भी लोग सड़क और पुलिया के लिए तरस रहे हैं। बताते चले कि ग्राम बकोरिया पंचायत बकोरिया के जोरा घाटी नदी में पुल व सड़क नहीं बनने से ग्राम बंजारी सेमरदा के लोग आज भी कठिन परिस्थितियों का सामना प्रतिदिन कर रहे हैं। बीते वर्ष नदी में काफी पानी होने की वजह से एक महिला की मौत भी हो चुकी थी। आज भी लोग उसी नदी में पुल नहीं बनने की वजह से ट्यूब के सहारे नदी को पार करते हैं, तब जाकर प्रखंड मुख्यालय सतबरवा पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार जब चुनाव आता है तो सांसद विधायक आश्वासन देकर चले जाते हैं, परंतु आज तक उस नदी पर पुल नहीं बना। पुल निर्माण नहीं होने के कारण खासकर विद्यार्थियों पर पड़ता है, विद्यार्थियों के पठन पाठन बाधित होते हैं, साथ ही साथ विद्यार्थियों को नामांकन और ट्यूशन साथ ही कॉलेज जाने से वंचित हो जाते हैं। सबसे कठिन उन महिलाओं की होती है जो गर्भवती रहती हैं, तबीयत खराब बुखार होने पर हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाती हैं। वहीं ग्रामीणों ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से जोरा घाटी नदी पर पुल निर्माण करने की मांग की है। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। मैं प्रदीप कुमार, मैं बंजारी से बिलोंग करता हूँ। समस्या यह है कि हम स्टूडेंट हैं और हम एडमिशन के लिए एक महीना से परेशान हैं। डेली आते जाते हैं और रूट के चलते मेरा एडमिशन नहीं होने पा रहा है, समय से नहीं जाने पा रहे हैं। और ये आज़ादी के समय से ना रोड बना है ना पुल बना है, और यहाँ हमेशा विधायक सांसद प्रतिनिधि आते रहते हैं लेकिन इसका कोई मतलब देखभाल नहीं कर रहे हैं, ना कोई आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरा जीवन बद से बदतर होते जा रहा है। यहाँ के जितना भी बच्चे हैं वो हमेशा मतलब ट्यूशन ना जाने पा रहे हैं, ना स्कूल जाने पा रहे हैं, ना ठीक से पढ़ाई करने पाते हैं। रात दिन हमको चिंता यही सताता है कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला बच्चा भी ऐसे ही बदतर हो जाएगा, सबका भविष्य बदतर हो जाएगा। सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि ये पुल बना दिया जाए, अतिशीघ्र बनाने की मांग करता हूँ हेमंत सरकार से। मैं पीताम्बर कुमार यादव, मैं बकोरिया ग्राम का निवासी हूँ। मैं इस रूट से अवगत हूँ, मैं यहाँ का समस्या से देख रहा हूँ और जान रहा हूँ कि इस रूट से इस नदी के पार लगभग 2 से 4 गांव हैं जो प्रखंड मुख्यालय से इस रूट से जाने में बहुत समस्या हो रही है। इस रूट से बहुत सारे लोगों का आवागमन है लेकिन जब से 4 महीना से भारी बारिश होने के कारण और हमेशा बारिश यहाँ होने के कारण जो होता क्या चीज़ है कि यहाँ का रास्ता में पानी भर जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। और यहाँ से हम बताते हैं कि विद्यार्थियों के लिए और प्रसवती महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत भारी समस्या होता है। अगले वर्ष की बात बता रहे हैं कि इस गाँव का एक बच्चा हमारे पास लगभग 10 बजे रात में कॉल किया कि सर हमारे भाभी जो हैं से सुबह से ही शाम से बेहोश हैं और हमको किसी प्रकार का मैंने हमको हेल्प चाहिए, लेकिन हम उसको हेल्प करने का प्रयास किए। वह बच्चा अपना भाभी को लेकर के खाट में लेकर के यहां से पार हुआ, जाते जाते तक 11 बजे रात के लगभग वह कुछ अच्छी सड़क तक पहुँच पाया, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए यहाँ के आने वाले विधायक प्रतिनिधि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं पड़ रहा है और यह इससे बच्चों का बहुत दिक्कत हो रहा है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना एडमिशन के लिए ये सभी तो अभी तक सरकार की तरफ से रोकी नहीं गई है और बच्चों को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अपना मैट्रिक पास करके इंटर पास करके और नहीं इस रोड से पार नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण वह नामांकन करवाने से वंचित रह जा रहे हैं। मैं झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से चाहता हूं कि इन समस्या को अपने संज्ञान में लेकर के और समस्या को समाधान करने का इसमें पुल बनवाने का कृपा करें।